सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चैनल के .com पे। आज दोस्तों रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो का टॉपिक है 52 वीक हाई एंड लो। तो दोस्तों जो 52 वीक हाई एंड लो है, ये काफी लोग इसके बारे में देखते हैं, काफी लोग इसके बारे में सोचते हैं कि भैया ये कैसी ऐसी टेक्निक है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आप कई बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे, एनएससी पे जाएंगे, बीएससी पे जाएंगे, तो वहां पर आपको एक डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है 52 हाई एंड लो वीक के जो स्टॉक्स हैं वो आपको कॉन्टिन्यूसली दिखाई देते हैं, डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं भाई किन किन लोगों ने, किन किन स्टॉक्स ने या कमोडिटी करेंसी जो भी है, जो भी सेंटिमेंट है, जो भी प्रोडक्ट्स है, किस किस ने हाई ब्रीच करा, किस किस ने लो ब्रीच करा या कौन इसके आसपास में है, तो ऐसा बहुत सारा डाटा हमें मिलता है। तो इस डाटा या फिर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कौन कौन से लोग किस किस तरीके का काम करते हैं, तो जरा उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे भैया आप इसका कैसे फायदा उठा सकता है। कुछ गिने चुने दो तीन टॉपिक की हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो अगर 52 वीक के हाई एंड लो की बात करते हैं तो आप इसको एक साल का हाई और लो पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं। तो आप चाहे टाइम फ्रेम कोई भी ले, एक मिनट का ले, एक दिन का ले, एक वीक का या एक मंथ का, एक साल के अंदर किसी बाजार ने, किसी स्टॉक ने, कमोडिटी ने, करेंसी ने या कोई भी प्रोडक्ट है जो प्राइस बेस पर ट्रेड किया जाता है, उसने कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया, मेनली कंसीडर जो है वो हम इसको कर रहे हैं कि एक साल में स्टॉक ने कितना हाई बनाया या कितना लो बनाया किसी भी चीज में। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करेंगे एक साल के हाई एंड लो की, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, क्योंकि हम इंट्राडे वालों के लिए भी बात करेंगे, हम शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर या मीडियम टर्म ट्रेडर, जो कुछ समय के लिए स्टॉक को रखते हैं और अपना प्रॉफिट या लॉस स्टॉप लॉस बुक करके बाहर हो जाते हैं। तो क्या क्या संभावनाएं बनती है जब कोई बाजार दोस्तों 52 वीक के हाई के पास में होता है, तो आपको एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है जो मेरी तरफ से एक आपको इसी हिसाब से सोचना भी चाहिए कि जब 52 हाई यानी अपने एक साल के हाई के पास हो या उसको तोड़ रहा हो, तो वो स्टॉक बुलिश है और आगे भी बुलिश रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर बाजार 52 वीक के लो के पास में है या उसको तोड़ चुका है या तोड़ रहा है, तो वो स्टॉक या कोई भी चीज बेरिश है और वो आगे भी बेरिश रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप ये कह सकते हैं कि 52 हाई के आसपास या उसको तोड़ देना एक बुलिश सिनेरियो है और 52 वीक के लो के आसपास रहना या उसको तोड़ देना एक बेरिश सिनेरियो है, यानी नीचे गिर सकता है और ऊपर वाला ऊपर जा सकता है और पॉसिबिलिटी भी यहाँ की तरफ ही ज्यादा है। लेकिन दोस्तों एक तीसरा सिनेरियो भी बनता है कि जब भी बाजार 52 हाई या लो किसी के भी आसपास होता है, तो एक पॉसिबिलिटी यह बनती है कि ये एक बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी 52 वीक का जो लो है वो एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है और 52 वीक का जो हाई है वो बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बाजार इसको नहीं तोड़ पाता, मान लेते हैं बाजार 52 वीक के हाई के आसपास गया और उसको तोड़ नहीं पाया, उसको ब्रीच नहीं कर पाया, तो वहां से क्या हो सकता है, तो वहां से आपको एक ट्रेड मिलता है शॉर्ट का, यानी आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, मंदी की पोजीशन बना सकते हैं और अपना कुछ परसेंट का प्रॉफिट वहां से गेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां से रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं अगर मार्केट उसको तोड़ता नहीं है या सस्टेन नहीं कर पाता है वहां। तो आपको एक मौका तो मिलता है वहां शॉर्ट सेलिंग करने का, लेकिन अगर आप तोड़ देता है, सस्टेन कर पाता है, वॉल्यूम अच्छा है, सारी चीज ठीक है, इंडिकेटर बाय का सिग्नल देते हैं, तो वहां से बुलिश रहने का भी आपको मौका मिलता है। यानी जो 52 वीक का जो हाई और लो के जो दो पॉइंट्स है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम ट्रेडर्स को चाहिए क्या होता है, भाई मार्केट एक तरफा जाए या तो ऊपर या नीचे, तो आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगा करके उस पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। बाय चांस आपका ट्रेड आपके अपोजिट जाता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को चेंज भी कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, बाय साइड भी और शॉर्ट सेलिंग साइड भी। दोस्तों एक चार्ट यहाँ अवेलेबल है बीएससी की वेबसाइट पे, ये दोस्तों डेली बेसिस पे अपडेट होता है, मैं कहता हूँ डेली बेसिस नहीं लाइव ही अपडेट होता है। जिन जिन स्टॉक्स ने हाई ब्रेक कराया, जिन जिन स्टॉक्स ने लो के आसपास है या ब्रेक करा है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देते रहते हैं। तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किन किन स्टॉक ने हाई एंड लो ब्रेक करा है, वो हम एक बार हम देख भी लेंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पर अगर हम इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करें तो इंट्राडे वालों के लिए भैया क्या है इसके अंदर, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दोस्तों बड़ा ही आसान और सिंपल है कि दो सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो तो बनता है कि कोई स्टॉक, कोई कमोडिटी, कोई करेंसी 52 वीक के हाई के आसपास है और उसने उसको तोड़ दिया है, लेकिन जिस दिन जिस डे वो हाई ब्रेक हुआ है 52 वीक का, एक साल का हाई ब्रेक हुआ है, आपको उस दिन की मार्केट की कंडीशंस देखनी है कि मार्केट ने हाई तो ब्रेक कर दिया लेकिन जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग मंदी की तरफ दे दी, यानी ब्रेक कर दिया, एक शेडो निकलती ना हमारी कैंडलस्टिक की, वो शेडो जैसा सिनेरियो बन गया कि ब्रेक करने के बाद वापस वो नीचे आ गया, यानी सेलिंग प्रेशर आ गया। अगर आपको कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिले किसी स्टॉक में, आप डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे 52 हाई और 52 वीक लो पर, तो आप चार पांच स्टॉक्स में छाट सकते हैं कि किस स्टॉक्स में ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि वीक को तोड़ तो दिया हाई को लेकिन मंदी की तरफ जाकर के क्लोज हो गया, तो वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ गया है और यहाँ पर कुछ दिन के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है, क्योंकि जो 32 वीक का जो हाई है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यहाँ पर जो बड़े संस्थागत जो हमारे इन्वेस्टर है, FFI है, DII है और म्यूचुअल फंड्स है, LICs है, बहुत सारे जो हमारे संस्थागत इंस्टीट्यूशंस या बड़े इन्वेस्टर्स है, ये अपने प्रॉफिट्स बुक करने शुरू करते हैं और यहाँ से मार्केट शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ परसेंट डाउन हो सकता है, तो इंट्राडे के लिए ये एक फ्रूटफुल हो सकता है। दूसरा अगर 52 वीक का लो की हम बात करें तो ये दोस्तों बेहतरीन सपोर्ट का बात करता है, यहाँ भी तो सिनेरियो सेम रहेगा, अगर कोई कैंडल कि जिस दिन ये 52 वीक का लो ब्रेक होती है, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद कैंडल जो है वो पॉजिटिव जाकर के बंद हो गई, यानी तोड़ तो दिया लो लेकिन वहां पर फिर बाइंग प्रेशर आ गया, तो आप यहां से समझ जाइए कि यहां पर जो है बायर्स जो है वो थोड़े से एक्टिव हो गए हैं और यहां से जो है शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इंट्राडे के लिए अगर आप किसी इंडिकेटर का यूज या किसी प्राइस एक्शन का यूज करते हैं तो उसी बेसिस पे, उसी पॉइंट पे आप उसको यूज करिए और वहां पर आपको कुछ ट्रेड्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे और जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस भी कम हिट होंगे और जो मार्केट है वो एक तरफा भागेगी। तो ये दो सिनेरियो है जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए फ्रूटफुल रह सकते हैं। हम थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं कि किस किस तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक SBI का चार्ट है और अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे 2016-2017 ये आपको कुछ पूरा एक साल का यहाँ पर दिख रहा है डेटा और मेरे ख्याल से एक दिन की जो है हमने कैंडल्स को लगाया हुआ है टाइम फ्रेम जो है। तो आप यहाँ देखिए बड़ा ही सिंपल है, हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। ये दोस्तों हमने ली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने लगाया 52 वीक का हाई हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है, जो बाजार है वो ये देखिए इस हाई के आसपास आकर के आप यहाँ देखेंगे जब हमने यहाँ हाई लगाया तो ये वही सिनेरियो बना जिसकी मैंने अभी बात करी थी। आप ये देखिए कि जिस कैंडल ने हाई ब्रेक करा, जैसे कि इस कैंडल ने हाई ब्रेक करा लेकिन जो क्लोजिंग है वो नीचे जाकर के दे दी, तो जब इस तरीके का सिनेरियो बना तो उससे क्या होगा, उससे एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर देखिए कितने ट्रेड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 5-6 दिन जो है मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गई है और बहुत अच्छी अच्छी नीचे गई है, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज में एक एक दिन के अंदर मूव आया है, तो ये इंट्राडे के लिए इस तरीके के सिनेरियो बनते हैं। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर देखिए एक हाई तोड़ा बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर देखिए जब जिस कैंडल ने हाई तोड़ा उसके अगली कैंडल में देखिए थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिखा और लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार कुछ कैंडल्स जो है वो फटाफट नीचे की तरफ आई, तो यहाँ से आपको एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप यहाँ से कुछ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग में। दूसरा यहाँ देखिए कि हाई ब्रेक करा
52 वीक का और लगातार अगले कैंडल ने एक सेलिंग प्रेशर दिया, तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलता है कि सेलिंग प्रेशर रहने वाला है। तो आप कुछ दिन के लिए, दो या तीन दिन के लिए यहाँ से आप कुछ सिनेरियो लेके शॉर्ट सेलिंग के अपने इंडिकेटर वाइज या जो भी स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं आप कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक अगला एक सिनेरियो बना, फिर हाई के आसपास ही गया, क्लोजिंग नीचे दी और लगातार मार्केट नीचे जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंट्राडे के अंदर पिक कर सकते हैं स्टॉक्स को और यहाँ पर कुछ प्रॉफिट गेन्स कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग की साइड की, सॉरी हम बात करते हैं लो साइड की, तो लो साइड का जब सिनेरियो बनता है कुछ यहाँ देखिए ये कुछ ऐसा बना, यहाँ पर हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 52 वीक का लो है। जरा यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाया था 52 वीक का लो, और जब ये लो बनाया तो लो के आसपास ही जाकर के मार्केट ने यहाँ पर आपको एक, ये देखिए थोड़ा बड़ा करते ये देखिए, ये जो लो के आसपास है मार्केट ने एक पॉजिटिव दिया, यानी तोड़ तो दिया लेकिन तोड़ने के बाद वो ऊपर जाकर यानी पॉजिटिव साइड जाकर बंद हो गया, मार्केट लगातार बुलिश हो गया यहाँ से। यहाँ पर कुछ दिन के लिए आपको एक बुलिश सिनेरियो के साथ आपको यहाँ ट्रेड मिल जाएंगे। दूसरा हम लाइन को आगे कर लेते हैं कि हमें और भी कुछ मिलता है क्या, ये देखिए इसी लाइन ने ही इसी के आसपास ही यहाँ पर आकर के लो के पास रुका 52 वीक के और वहां पर यहाँ पर आकर के रिवर्स कर गया। देखिए कितना अच्छा रिवर्स करा, तो ये आपको इंट्राडे के अंदर मददगार साबित होता है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, क्या भैया उनके लिए भी कुछ ऐसा मिलता है क्या, तो उनके लिए भी दोस्तों पहली बात तो आप प्राइमरी ट्रेंड देखिए। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या मीडियम टर्म ट्रेडर है तो आप सबसे पहले तो अगर बुलिश साइड पे मार्केट जा रहा है यानी हाई को तोड़ रहा है तो हाई साइड के ही ट्रेड लेने की कोशिश करें, और अगर लो को तोड़ रहा है तो लो साइड की पोजीशन बनाएं डेरिवेटिव्स मार्केट में। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं जी अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है तो रिवर्स ट्रेड लिया जा सकता है क्या, तो रिवर्स ट्रेड लिया जा सकता है, उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और आपको स्टॉप लॉसेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये देखें ये मार्केट का, जैसे कि ये मार्केट का 52 वीक का हाई है, तो जब भी स्टॉक इसके आसपास आ जाता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर आया 52 वीक के हाई के आसपास यहाँ आया, तो यहाँ से वो वापस रिवर्स कर गया। तो ऐसे कुछ आपको सिनेरियो यहाँ जरूर मिलेंगे, जैसे 52 वीक का हाई है फिर यहाँ से कुछ परसेंट यहाँ से रिवर्स करा, तो आपको कुछ इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा और या आपकी कोई प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है तो उसका सहारा लेना पड़ेगा, और जब भी आपको उसका सिग्नल मिलता है तो उसके ऊपर आप अपने इस तरीके की डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़े रिस्की होते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होना चाहिए, टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए और तभी जाकर के आप इस तरीके के जो ट्रेड है उसमें सक्सेसफुल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो यही था दोस्तों 52 वीक के हाई एंड लो का जो कॉन्सेप्ट है, एक बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो एक बुलिश साइड जाने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है तो बेरी साइड जाने की पॉसिबिलिटी होती है, और अगर आप इसके आसपास कहीं ट्रेड लेते हैं तो रिवर्सल के भी कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो यह था दोस्तों इसके अंदर। प्लस हम देख लेते हैं कि कहाँ चेक करेंगे भैया 52 वीक का हाई लो कहाँ पता लगेगा, तो लाइव सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं 52 वीक हाई एंड लो। जब आप ये सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एनएससी की वेबसाइट के, बीएससी की वेबसाइट्स के और मनी कंट्रोल की वेबसाइट के, आप किसी पे भी जाकर के ये डाटा वॉच कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट खोल लेते हैं और यहाँ पर आपको कुछ डाटा यहाँ पर मिल जाएगा 52 वीक हाई एंड लो का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हाई का लगा हुआ है और यहाँ पर जो है लो का ब्रैकेट है, तो जिसको आप क्लिक करेंगे वो डाटा आपको मिल जाएगा। जैसे कि हाई है तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें यहाँ देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं जैसे कि स्टॉक का सिंबल क्या है, सिक्योरिटी कौन सा है, न्यू 52 वीक हाई क्या था, प्रीवियस हाई क्या था, प्रीवियस हाई डेट क्या थी, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रहा है, प्रीवियस क्लोज कितना था, चेंज कितना हुआ, चेंज की परसेंटेज कितनी है, इस तरीके के आपको यहाँ डाटा मिल जाएंगे। प्लस लो का अगर हम देखते हैं तो लो में भी यही है, 52 वीक का लो क्या था, प्रीवियस लो क्या था, लो डेट क्या थी, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रहा है, प्रीवियस क्लोज और प्राइस में कितनी परसेंट की चेंजिंग या रुपीस में चेंजिंग आई है, तो आप यहाँ वॉच कर सकते हैं और इजी टू यूज है
और थोड़ा सा देखिए डेमो ट्रेडिंग करिए और पेपर ट्रेडिंग करिए कि किस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जो 52 हाई या फिर 52 वीक लो के आसपास चल रहे होंगे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। किसी वीडियो का सजेशन हो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों।